शामली में बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर से एक बच्चे सहित चार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हादसे में चार लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर GMSP मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर परिजनों को सांत्वना दी। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल कांधला के ग्राम गंगेरू निवासी 35 वर्षीय मुरसलीन पुत्र जमीर अपने 5 वर्षीय भांजे इब्राहिम पुत्र कुदरत के साथ अपनी बहन के गांव पलठेड़ी जा रहा था। दूसरी ओर से नकुड़ क्षेत्र के गांव ढाकी निवासी 45 वर्षीय तिरसपाल पुत्र नानू व 35 वर्षीय नीटू पुत्र नाथुराम के साथ ग्राम भनेड़ा उधा की ओर से नहर पटरी से होते हुए शामली की ओर जा रही थी। बताया जाता है कि जब दोनों भनेड़ा उधा व खेड़ा गदाई के मध्य पहुंचे तो दोनों बाइकों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के पर खच्चे उड़ गए और बाइक सवार दूर जाकर गिरे। दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना थाना भवन पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को CHC में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है जी आपका? तेजपाल जी। ये चार मौत हुई है जी, ये कैसे हुआ है? एक्सीडेंट हुआ जी। कैसे? मोटरसाइकिल वाला जी, आमने सामने की टक्कर में। हाँ जी, आमने सामने टक्कर। तो कितने की मौत हुई है? चार की जी। एक बच्चा भी बता रहे हैं इसमें? आज एक बच्चा भी है जी। आपके क्या लगते थे जी? सिमदी जी। सिमदी जी, सिमदी की भी मौत हुई है? हाँ जी। रहने वाले कहाँ के थे? डाकी गंगो में। हाँ जी। क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? अंकुर जी। अंकुर भैया, ये हादसा हुआ जो सड़क दुर्घटना, चार की मौत है, कैसे हुई है? कौन थे आपके? मेरी जी। तो कौन कौन थे जो बाइक पे जो एक्सपायर हुए? मौसा जी है, दूसरे मौसा जी, छोटे मौसा जी। बाइक की आमने सामने की टक्कर है ये? एक भी बच्चा भी बता रहे थे जी। कितनी उम्र थी इसकी? सर ये दो बाइक सवार आमने सामने की टक्कर है सर, चार की मौत है सर, क्या मामला है? देखिए, जनपद शामली में थाना भवन क्षेत्र में यारपुर जगह पर जो है नहर पटरी पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई और इसमें चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दो व्यक्ति सहारनपुर के रहने वाले थे और दो यहीं जनपद शामली के कांधला क्षेत्र के रहने वाले थे। पुलिस द्वारा शव को तत्काल जो है मॉर्चरी भिजवा कर इसमें जो है पोस्टमार्टम तथा अग्रिम कार्यवाही कार्रवाई की जा रही है। सर एक 5 साल की भी बच्ची बताई जा रही है कि इसमें चार व्यक्ति थे, जिसमें कि एक जो है तकरीबन 5-6 वर्ष का जो है उसमें बच्चा है।